आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और स्टोरी टाइम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। यहाँ पर मैं अपने देखने वाले बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि इन तमाम स्टोरीज़ के लेसन को जो कि बच्चों आपने देखी हैं और सुनी हैं, जो मैंने सुनाई हैं, उनको क्या करना है, उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी करना है, ताकि आप अपने माशरे में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर सकें। और इसी तरह मैं अपने शो का बाकायदा आगाज करती हूँ, लेकिन आज हमारे शो में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। चेंजेस ये हैं कि बच्चों के मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे बहुत बिजी थे, और हमने खुद ये सोचा, हमारे डायरेक्टर ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, ताकि बच्चे सिर्फ घर बैठ के हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकें, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हमने थोड़ा सी चेंजेस किए हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल बच्चा ज़रूर मौजूद है, जिसके बगैर स्टोरी टाइम नामुमकिन है। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ बबलू तो लाजमी है, तो बबलू से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बबलू, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी बाजी, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे जो फॉलोवर है यूट्यूब पर 4 लाख से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। देखा मेरी पॉपुलैरिटी? पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी, ये पॉपुलैरिटी किस चीज की है? ये मेरे स्टाइल की वजह से है सब कुछ। अच्छा, ये जो देखे मेरा स्टाइल। और वाजी वाह, आपका जो ये स्टाइल है, ये किसका कॉपी किया हुआ है? जी नहीं, बबलू किसी को कॉपी नहीं करता, सब बबलू को कॉपी करते हैं। जी बिल्कुल बबलू, व्यूअर्स को जो कॉपी करने के लिए सिर्फ आप ही रह गए हैं। बाजी उड़ा ले मेरा मजाक, आपको क्या पता कि मेरी फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ती जा रही है, लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं, और आपको पता है इससे कितने पैसे आते हैं, देखिए आपने मेरी कामयाबी। ये कैसी कामयाबी हुई बबलू कि जिसके लिए आपको अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है? और दूसरी चीज़ ये कि वैसे भी मुझे ये सब चीज़ें बच्चों पर्सनली पसंद नहीं है, अगर और सॉरी टू से बबलू, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये जो आपके अंदर लालच वाला एलिमेंट आ रहा है ना, ये भी बहुत गलत है, ये भी एक किस्म की बच्चों बीमारी है। बीमारी? जी बबलू बीमारी है, आपने सुना होगा अक्सर फिजिकल डिजीज़ होती है, जिसमें इंसान की कोई ख़ास जो बॉडी का पार्ट होता है उसमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है और वो बीमार हो जाता है, लेकिन एक बीमारी होती है रूह की बीमारी, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसमें कोई बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से पूरे माशरे की मौत हो जाती है। जिन बीमारियों में से एक बीमारी है बच्चों लालच, और आज इसी से रिलेटेड हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है द गोल्डन एग, यानी सोने का अंडा। सोने का अंडा? ये कैसा अंडा होता है? ये वो अंडा है जो हमेशा सोता रहता है। उफ पब्लू, आपसे मुझे वैसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपने यही कहना है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मेरा मतलब है गोल्ड का अंडा। गोल्ड का पता है? ओके, यानी सोना। जी सोना, अक्सर ज्वेलरीज वगैरह लेडीज यूज करती हैं। या समझ आ गई? जी आ गई। मैंने कहा पूछ लूं, अगर आपको समझ आई है तो मैं पता है मुझे पता है। चलिए अच्छी बात है, शुक्र है बच्चों बबलू को गोल्ड का पता है, बबलू ने कोई और चीज़ नहीं निकाल के हमारे सामने खड़ी कर दी। खैर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी कुछ यूँ है बच्चों की, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था जो बहुत गरीब था, वो बहुत मेहनत से काम करता था और जो कुछ कमाता था वो उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी था। एक शाम काम से लौट आने पर उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी, उसने सोचा आज रात मैं क्या पकाऊँ। इसने ठीक उसी वक्त अपने घर के सामने एक मुर्गी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुर्गी? अच्छा मुर्गी वही जो बड़े बड़े कानों वाला होता है? अरे पब्लू ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी बला है जो बड़े बड़े कानों वाली होती है? आज तक मैंने जो मुर्गी देखी है बच्चों उसमें तो कोई कान वान नहीं होते। बाजी आपको नहीं पता, मुर्गी के बड़े बड़े कान होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं और बहुत बड़ा होता है ये। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है आप एलिफेंट की बात कर रहे हैं। सब बच्चे व्यूअर्स मेरे साथ स्क्रीन पे देखें, इसे कहते हैं मुर्गी। अच्छा ये मुर्गी होती है,
बस करने बबलू बस करने, जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए भी और पढ़ाई पे भी तवज्जो दी लें। देखिए हमारे बच्चे, उन्हें पता है उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे अब, क्योंकि हमें पता है कि उनके लिए कितनी ज़रूरी है उनकी पढ़ाई, और आप हैं, आपको मुर्गी का ही नहीं पता। हद है बबलू, आप कहानी सुनाए फिर पता चलेगा। अच्छा बच्चों, मुझे यहाँ पे आप सबसे एक सवाल है जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, और बबलू से मुझे एक्सपेक्ट है कि बबलू ने उसका आंसर ठीक नहीं देना है, लेकिन फिर भी मेरे जहन में भी एक सवाल। क्या सवाल है भाजी? मैं बता रही हूँ बबलू, मेरा सवाल ये है कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी या अंडा? टिक 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 बताएं। ये तो बहुत आसान सवाल है भाजी। अच्छा जी, आसान है ये? स्टार्ट हुआ है, पहली बार आपने कोई आसान सवाल पूछा है। आपका कहने का मतलब है जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये सबसे आसान सवाल पूछा, चलिए बहुत अच्छी बात है। चले भाई बच्चों, पहली बार बबलू को कोई सवाल जो है हमारा आसान लगा, लेकिन अब मैं वेट करूँ कि बबलू क्या जवाब देते हैं। बबलू जी जल्दी से बताओ। ये तो जाहिर सी बात है ना कि सबसे पहले मुर्गी आई तो उसने अंडा दिया ना। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है बबलू, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है प्यारे बच्चों। इसका जवाब ये है कि खिलकत के एतबार से, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने ये खिलकत यानी स्ट्रक्चर बनाया है, वो इस तरह से पहले अंडा आया और फिर मुर्गी आई। समझ आई बबलू? ओके बच्ची, इसका मतलब पहले दुनिया में अंडा आया। जी बिल्कुल, पहले अंडा आया और फिर मुर्गी आई। इसी तरह हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि इसने जब मुर्गी को देखा तो इसने सोचा कि मेरे लिए आज के लिए बहुत मज़ेदार सा डिनर रेडी होने वाला है। इसने मुर्गी को पकड़ना शुरू कर दिया और आखिर किसान ने मुर्गी को पकड़ लिया। जैसे ही वो मुर्गी को पकड़ता है और उसने सोचता है कि मेरा डिनर तैयार होने वाला है, वो जल्दी से उसको पकड़ के ज़िबा करने की कोशिश करता है, तो वो जो मुर्गी है एकदम बोलने लगती है। मुर्गी उसे कहती है, किसान मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। किसान बोला, ये क्या, एक मुर्गी भी बोल सकती है? किसान बोला, हाँ ठीक है, मैं तुमको नहीं मारूँगा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? अगर तुम मुर्गी ने फिर उसे कहा, अगर तुम मुझको जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुमको रोज एक सोने का अंडा दूंगी। बाजी, ये तो बड़ी कीमती मुर्गी है, मेरे हाथ लग जाए तो मैं रोज सोने का अंडा खाऊंगा। मुझे पता था बबलू, आपने एक तो खाना, आपको हर वक्त भूख लगती है, आपने सोने का अंडा भी ऐसे खा जाना है, जबकि आपको ये नहीं पता कि खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो गोल्ड का है और बहुत ज्यादा कीमती होता है ना बच्चों। तो बाजी, अंडा है ना, वो तो फिर मैं खाऊंगा। हद है आपका, आपके भी इस किसान से कोई ज्यादा अच्छी हालात नहीं है। खैर, आप कहानी की तरफ फोकस करें। फिर ये हुआ कि किसान बोला, क्या सोने का अंडा, वो भी हर रोज? मुर्गी बोली, मुझ पर भरोसा करो। नहीं नहीं, किसान को चाहिए बेवकूफ ना बने और मुर्गी पर भरोसा ना करे, वो बहुत चालाक है। बबलू, वो मुर्गी है और बबलू नहीं है वो, कि वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी आप पूछे, मजाक मेरा उड़ा रही है, मैं नहीं बोलता आपसे। अच्छा चलिए, नाराज ना हो, कहानी को फोकस करें, कहानी बहुत मजे की है। अच्छा, और मेरा सुनाए कहानी आप। जी बिल्कुल, जल्दी से सुनते हैं क्योंकि हमारे व्यूवर्स इंतजार कर रहे होते हैं स्टोरी के एंड का। तो बच्चों कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फिर मुर्गी बोली कि अगर मैंने कल तुमको सोने का अंडा ना दिया तो तुम मुझे मार देना। किसान बोला, ठीक है, मैं कल का इंतज़ार करता हूँ। किसान ने घर जाकर मुर्गी को पिंजरे में डाल दिया। अगले दिन वो सुबह होते ही मुर्गी के पिंजरे के पास गया और देखने लगा कि कहाँ दिया उसने सोने का अंडा। और मेरा ख्याल है सारी रात किसान को नींद भी नहीं आई होगी, इसी टेंशन में कि सुबह शायद उसको अंडा मिलने वाला है या तो उसको मुर्गी खाने को मिलने वाली है। दोनों तरफ से किसान का फ़ायदा होने वाला था, लेकिन अब वो वहाँ गया और उसने वहाँ जाके देखना शुरू कर दिया। लो जी लो, मैंने पहले ही बोला था ये मुर्गी बेवकूफ बना रही है, अब क्या होगा बेचारे का। बबलू, आप हमेशा नेगेटिव ही सोचिएगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जैसे आपको सोने के अंडे की टेंशन है, वैसे वो किसान भी इसी परेशानी में पिंजरे के पास देखने लगा। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो बहुत खुश हो जाता है कि वाह, मुर्गी ने तो अंडा दिया हुआ है, वो भी सोने का। जी वाह वाह, निकली ना, मैंने कहा था ना कि मुर्गी पे भरोसा करना चाहिए था, और आप तो मुर्गी पे भरोसा कर ही नहीं रहे थे। खैर जज्बाती ना हो, बबलू कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसान ने खुशी खुशी अंडा उठाया और
शहर जाके बेचने लगा। लोगों ने सोनू का अंडा खरीदना शुरू कर दिया और किसान ने मुर्गी को कहा कि एक नहीं ज़्यादा सोने के अंडे दिया करो, लेकिन मुर्गी रोज़ाना एक ही अंडा देती और किसान वो अंडा लेकर बाजार में अच्छे दाम फरोख कर देता। अब किसान के अंदर लालच और बढ़ गई, लोग उससे ज़्यादा डिमांड करने लग गए कि ज़्यादा अंडे लेके आओ, ज़्यादा अंडे हमें चाहिए। और इस तरह किसान की लालच भी और ज़्यादा बढ़ती रही, क्योंकि आपने देखा है बच्चों, किसी इंसान को जब बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा होता है तो समटाइम लोग अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर रहे होते कि थोड़ा जितना है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और आपने सुना भी होगा कि जब हमें जो भी चीज़ मिलती है, कोई नेमत मिलती है या जो भी हमारे पास होता है, हमें अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। लेकिन कि ह्यूमन थॉट्स हैं कि वो ऐसा ही सोचता है, उसने ऐसा किया और किसान की लालच बढ़ गई। किसान ने सोचा जो मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, इसके पेट में कितने सारे सोने के अंडे होंगे। बहुत अंडे होंगे उसके पेट में तो। जी बिल्कुल, आपकी वाली सोच, मुझे पता था किसान की और आपकी सोच जो है ना मिलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसके पेट से सारे अंडे निकाल लेने चाहिए उसे। मैंने आपको बच्चों पहले ही कहा है कि बबलू और किसान सेम जहनियत के हैं। बबलू आप सबर से जरा कहानी सुने, आपको भी पता चल जाएगा कौन अच्छा है। ठीक है जी, सुनाए। तो बच्चों हुआ कुछ ये कि किसान ने चाकू उठाता है और मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी बेचारी मर जाती है। ओहो, मुर्गी बेचारी मर गई। जी अब आपको क्यों अफसोस हो रहा है? खैर कहानी को मारना तो नहीं चाहिए था ना। जब उसका पेट जो है चीरेंगे बच्चों तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो मर जाएगी। किसान कहता है कि ये क्या हुआ? तो आपको पता है बबलू फिर क्या हुआ? तो उसने सारे अंडे निकाल लिए, मुर्गी तो बेचारी मर गई, कोई बात नहीं अंडे तो मिल गए ना। नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ बच्चों। आपको पता है किसान ने जब उसका पेट चीरा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। कहाँ गया सब कुछ? बबलू यही तो है अल्लाह ताला की कुदरत के, जब आप लालच करते हैं तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी नेमतें उन्हीं के लिए बढ़ाता है जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या मोरल लेसन सीखा है। लेकिन मैं आपको बताती चलती हूँ बच्चों, आपका मोरल लेसन इसका बहुत क्लियर है कि लालच जो है। मुझसे तो सुन ले। हाँ बबलू सॉरी, मैं तो भूल ही गई आपको, आप बताएं क्या सीखा। मुझे आज तो सही समझ आई है कहानी की। बड़ी अच्छी बात है, चलिए बताएं क्या मोरल सीखा आपने। मुझे समझ आई है कि मुर्गी का अंडा जो है वो खाना नहीं चाहिए, वो बेचना चाहिए। उफ बबलू, मुझे क्यों मैं इस तरह आप पे यकीन कर लेती हूँ, मुझे जबकि पता होता है। खैर बच्चों, बबलू को आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है, आपने फोकस करना है कि लालच बुरी बला है, तो इस तरह कभी भी लालच नहीं करना है। आई होप सो आपको मेरी आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं और बबलू आपके लिए लेके आते रहेंगे अच्छी अच्छी सी नई सी और मज़ेदार सी कहानियाँ। तब तक के लिए मुझे और बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया।